मामा के किचन में खुश आमदीद। आज बन रहा है मामा के किचन में मसाला कबाब। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये मैंने सीख कबाब लिए हैं 5। ये देखिए, इस तरह मैंने इनको इस साइज़ के टुकड़ों में काट लिए। 3 प्याज मैंने लिए हैं और उन्हें काट लिए इस तरह। 2 टमाटर हैं और हरी मिर्चें और धनिया है, ठीक है। मैंने ऑयल जो है गरम होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। मैंने आधा कप ऑयल लिया है और उसे गरम कर लिया। उसमें अब प्याज फ्राई कर रही हूँ। आप जो लोग ऑयल कम पसंद करते हैं वो ऑयल कम भी डाल सकते हैं, और कुछ लोग जो डाइटिंग पे है वो भी कम ऑयल में इसको बना सकते हैं इस रेसिपी को। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। ये बहुत जल्दी बन जाती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अक्सर हम लोग बाहर से खाना मंगाते हैं तो कबाब जो है वो बच जाते हैं, तो उसको इस तरह मज़ेदार से बनाकर आप लोग नाश्ते में भी खा सकते हैं। आपके गेस्ट आए आप उनके लिए बना सकती हैं इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी एक डिश बना सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। और ये जो रेसिपी है, ये जो सालन हम कबाबों का बनाएंगे, इसको पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बन भी बहुत कम टाइम में जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। सिर्फ 5 मिनट में आपका जो है सालन तैयार हो जाता है, मसाला कबाब जो है आपके तैयार हो जाते हैं। ये कबाब जो है मैंने बाज़ार से नहीं मंगवाए, ये मैंने घर पर बनाए हैं। आप लोग भी बना सकते हो। मैं रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आप घर पे कबाब बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। बस प्याज हमारा ब्राउन होने वाला है, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। मैंने इसमें 1 चम्मच जो है खाने वाला वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और मैं अब डालूँगी थोड़ा सा पानी इसमें। आँच में हल्की कर दूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और आँच को थोड़ा तेज़ कर लिया है। अब मैं इसको भून लूँगी, अच्छे से भूनूँगी ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ना आए। इसमें पानी मैं इसलिए डालती हूँ ताकि पानी थोड़ा सा डाल के तो अदरक लहसुन भून लेती है तो वो कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे इस तरह पसंद है। आप बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं तो मैं, ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से करती हूँ। अदरक लहसुन को इस तरह से पकाती हूँ, फिर स्मेल नहीं आती है क्योंकि मुझे अदरक लहसुन की वो कच्चेपन की जो स्मेल होती है बहुत अजीब लगती है। वो गले को पड़ता है, जब कच्चा रह जाए तो वो गले को पड़ता है तो वो बहुत अजीब सा लगता है। बस अदरक लहसुन हमारा हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। जो टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट के रखी हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं डालूँगी सारे मसाले, और मसाले जो है आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखें क्योंकि मसाला जो है हमारे कबाब में भी है। थोड़ा सा इसमें पानी डाला और हल्की आंच कर दी है, वो इसलिए कि जब तक मैं मसाले इसमें डालूंगी तो वो नीचे से जलेगा नहीं। मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जो है नमक। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जो है सुर्ख मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, और 1/2 चम्मच चाय वाला मैं इसमें सूखा धनिया डालूंगी पाउडर। अब मैं इस सारे मसाले को भून लूंगी अच्छे से, और फिर इसमें कबाब ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इस सारे मसाले को भून लूंगी, तेज़ आग पर भून लूंगी, और फिर मैं कबाब ऐड करूंगी। 1 मिनट तक मैंने मसाले को भूना है। अब मैं इसमें डालूंगी जो कबाब हैं वो कबाब मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छे से। मैं कबाबों को 1 मिनट तक भून लूंगी, और इसमें सिर्फ थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी।
वो इसलिए कि इसे मैं 2 मिनट पकने के लिए रखूंगी। अब मैं मसाला कबाब हमारे हो गए हैं तैयार। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।